plan is that we brought a हम एक बहुत beautiful gift लेके आए हैं आप सबके लिए जो Christmas और New Year's दोनों का gift है मी की तरफ से आप सबको. It's a beautiful romantic groovy song, groovy love song and ये गाना it's called यारी वे. और ये हम इसलिए specially इस time पे लेके आए क्योंकि जो इस वक्त जो सर्दियों का माहौल होता है थोड़ी ठंडी हवा होती है गाना भी वैसा है उसको हमने ग्रीस में शूट किया है and it's a very cool and a hot song so this is the perfect time to release it so we've released it for you all to new year's pe or christmas pe aapke paas ek bahut acha gana hoga enjoy karne ke liye. So what's this song about? So this song is about all the friends jo dost apne doston ko nahi bata pate ki unse kitna pyar karte hain aur hindustan mein kai baar hota hai ki log express nahi kar pate hain sab emotionally shy hote hain to wo ye gana play kar sakte hain apne mobiles mein और सेलिब्रेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यारी वे चल इश्क में बदल दे चाहे वो यू नो दोस्तों का प्यार हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो. तो इट्स अ मैसेज बिकॉज क्या है आजकल आपको मालूम है मूवीज़ भी मैसेज के साथ आती हैं लेकिन गाने बहुत कम मैसेजेस के साथ आते हैं. तो ये हमने सोचा कि गाना बनाया जाए जिसमें हम एक मैसेज कन्वे करें साथ साथ कुछ वो भी करें साथ साथ कुछ मैसेज भी स्प्रेड करें. सो दैट वॉज द इंटेंशन एंड ये गाना हम लोगों ने कंपोज करा है हम लोगों ने गाया विद प्रकृति कक्कड़ एंड द हीरोइन व्हिच इज फीचर्ड इज लॉरेन हु इज द डांसिंग डीवा ऑफ ABCD. तो शी इज लुकिंग फैबुलस प्रकृति इज संग इट ब्यूटिफुली. तो आई थिंक ये सांता क्लॉज की ब्लेसिंग है कि ऐसा गाना ऐसे टाइम पे आ रहा है पार्टी सीजन में आ रहा है. एंड इफ आई गारंटी यू कि अगर आप इसको तीन बार सुनोगे गाने को तीन जैसे होता है दिन में तीन बार मेडिसिन लेनी होती है इट विल ग्रो ऑन यू. सो ऐसा होता है कि हम जब गाने बनाते हैं तो मोस्टली फिल्म्स के लिए होते हैं तो हमें फिल्मों को ध्यान में रख के सिचुएशंस को ध्यान में रख के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ध्यान में रख के गाने बनाने होते हैं. तो जब भी फिल्म के लिए गाना बनता है तो वो फिल्म के लिए होता है. जब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आदमी करता है तो वो करता है जो वो खुद होता है क्योंकि वो एक प्योर फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है जैसा निकला वैसा आप तक पहुँच गया. सो वी बोथ आर हमने आपको बहुत नचाया है पार्टी सॉन्ग्स पे बट इवेंचुअली हम वी आर सेल्व्स आर वेरी रोमांटिक एंड सॉफ्ट इन नेचर एंड वो आना बहुत ज़रूरी था बाहर क्योंकि वो हमारा रियल म्यूज़िक है. तो पार्टी सॉन्ग्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर वो करने का मौका नहीं मिलता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी देखिए पार्टी सॉन्ग बहुत मुश्किल से मिलता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक गुड पार्टी सॉन्ग्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग म्यूज़िक. सबसे टफ होता है ऐसा गाना कि जिसमें आप लोगों को नचा दें तो वो वाली बात जो होती है वो बहुत टफ होती है. इसलिए वो उसमें कुछ ही लोग हैं जो बनाते हैं तो उन लोगों के पास पार्टी उस गाने का काम ज़्यादा रहता है. बट we are romantic people and we wanted to do a romantic song and this is a romantic but obviously isme beat ek international beat humne use kiya matlab international sounding beat yeah. which is going to make you all dance. So like why you are choosing Prakriti to be part of your song? See we work with different singers, we work with different talent and प्रकृति और उसकी सिस्टर सुकृति का सबसे पहला गाना उन लोगों ने हमारे साथ ही रिकॉर्ड करा था. यू नो कनिका का भी पहला गाना हमारे साथ हुआ, नेहा की पहली एल्बम हमारे साथ आई थी नेहा कक्कड़ की. तो वी लव यू नो यूजिंग न्यू वॉइस, इट गिव्स फ्रेशनेस टू अ सॉन्ग. पहली बार गाना बहुत फ्रेश है, सुंदर फ्रेश आवाज़ चाहिए थी. और जैसे बॉस में हमने प्रकृति सबसे पहले गवाया था तो बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि उसको उससे हम कुछ गवाएँ एंड वी ट्राई एंड कई बार ट्राई करो तो चीज़ अच्छी लग जाती है. ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो नोन को बहुत बड़ा ब्रांड हो तो उसी को यूज़ करना है. एंड आकृति प्रकृति देर ऑल फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो. तो वी थॉट वाई नॉट ट्राई इट एंड इट सूटेड वेरी वेल. उसने बहुत जस्टिस किया उस मेलेडी को, बहुत सॉफ्ट सूदिंग मेलेडी है, ट्रॉपिकल फील है. एंड यू नो द न्यू एज के जो आजकल ये प्रकृति जैसे सिंगर है वेरी यंग गर्ल तो दे कैन अंडरस्टैंड द वाइब. तो वाइब्रेशन बहुत अच्छी करेक्ट आई है उसमें. सो सी द थिंग इज़ कि जो न्यू सिंगर्स आते हैं हम लोग एक्चुअली जब हम लोग यहाँ 15 साल स्ट्रगल कर रहे थे हमें कोई हेल्प करने के लिए था नहीं तो हम लोग यूजली नए सिंगर्स को मिलते रहते हैं. हम 2 महीने में एक बार हम लोग रेगुलरली एज अ चैरिटी मिलते हैं कि चलो यार कुछ नहीं हुआ तो यू नेवर नो कौन सा टैलेंट कब निकला है.
तो उसमें वी लुक फॉर न्यू वॉइस एंड नॉट दैट हम लोग यू नो महीने में हमारे दो या तीन गाने ही बना पाते हैं हम लोग तो, और सिंगर्स लाखों करोड़ों में हैं तो दो तीन में से एक दो गानों में ही हम आवाज़ नहीं ट्राई कर सकते हैं, तो रेशियो बहुत कम है नई आवाज़ को लॉन्च करने का, बट कोशिश होती है एंड वी सी अ गुड टेक्स्चर। तो अगर आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर वो उनके फ्रेंड्स और वो लोग सिंगर्स हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका टोन और टेक्स्चर थोड़ा अलग होना चाहिए। गायकी तो सब सीख ही लेते हैं अपने गुरु से, लेकिन फील, इमोशन, एक्सप्रेशन और टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारा जो नया गाना है यारी वे, हम चाहते हैं कि इसके आप जो डांस अच्छा करते हैं उसके डांस कवर्स बनाएं, और जो अच्छा गाते हैं उसके सिंगिंग कवर्स बनाएं, बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर टैलेंट। जो हम अपने वीडियोस के लिए हमें परफॉर्मर्स चाहिए और हमारे गानों के लिए हमको सिंगर्स चाहिए, तो आप यारी वे के कवर्स बनाइए, अपने मोबाइल से बना सकते हैं, आप मोबाइल से बनाइए, कैसे भी बनाइए, ज़्यादा उसमें सिर्फ हम आपको देखना चाहते हैं, आपका टैलेंट देखना चाहते हैं। सेंड अस योर वर्जंस एंड जो जो हमें अच्छा लगेगा विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू गाइस। मीत ब्रोस फेसबुक पेज हमारा ऑफिशियल हैंडल, वहाँ पे आप अपने भेजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि हमारा एक कॉन्टेस्ट है, डेडिकेशन कॉन्टेस्ट, की एक रोमांटिक गाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को भी गाने की एक लाइन डेडिकेट करिए यारी वे की और उसमें हैशटैग यारी वे करके हमें करिए, तो जिसकी डेडिकेशन हमें सबसे अच्छी लगेगी। आप अपना एक कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि फॉर द फ्रेंड, बाय द फ्रेंड, यारी वे, तो अपना जो एक डेडिकेशन अपने दोस्त को देंगे, हमें जिसकी डेडिकेशन सबसे अच्छी लगेगी उसके साथ भी